दोस्तों ये है Vivo Y सीरीज का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Vivo Y 15C। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर और देखेंगे ये स्मार्टफोन कैसा रहता है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस जान लेते हैं। दोस्तों ये आपको 10,000 रुपए के आसपास मिलता है, जबकि बॉक्स पर आपको प्राइस देखने को मिलेगी 14,490 रुपीज। इसमें आपको 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। व्हाइट कलर का ये बॉक्स है जिस पर आपको मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। बैक साइड थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस रेगुलर मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको एक मिनी बॉक्स मिलता है जिस पर Vivo की ब्रांडिंग की गई है और इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का कवर, काफी अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद आपको नजर आएगा स्मार्टफोन, इसे फिलहाल हम रख लेते हैं और अंदर देखें तो IMEI स्टिकर्स और ये रहा इसके साथ मिलने वाला एक चार्जर अडैप्टर। नॉर्मल है 10 वॉट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके बाद आपको व्हाइट कलर की इसमें नॉर्मल माइक्रो USB केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी तो काफी सही मिल जाती है, लेकिन टाइप सी होती तो और भी बढ़िया होता। मोबाइल को रैपर से हम आजाद करते हैं तो इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। इसमें आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ दिया गया है। इन एनफील्ड हाथ में आपको ये काफी कंफर्टेबल फील होगा और ये काफी स्लिम और लाइट वेट भी है। इसके बाद हम इसका बैक पैनल देखें तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है जिसमें आपको क्रॉस टाइप में डिजाइनिंग देखने को मिलती है। लाइट रिफ्लेक्शन काफी अच्छा है और लाइन्स आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी जिन पर हल्के हल्के रिजेस आपको महसूस होंगे, जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। नीचे Vivo की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो दो बराबर साइज के लेंस यहां पर दिए गए हैं जिसमें मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मोबाइल के जो कॉर्नर हैं वो कर्वी आपको देखने को मिलेंगे और साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां पर दिया गया है और यही पावर ऑन की भी है। जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स और ऊपर की साइड आपको सिम ट्रे मिलती है। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं दिया गया है और बॉटम में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। स्मार्टफोन की पावर हो गई है ऑन। सबसे पहले इसकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% कर लेते हैं। 480 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें मिलती है। डिस्प्ले काफी कलरफुल आपको इसकी मिल जाती है। नॉर्मली सभी Vivo के स्मार्टफोन जैसे ही आइकन आपको यहाँ पर नजर आएंगे, यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं। फालतू प्री इंस्टॉल ऐप यहाँ पर भर भर के दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे प्री इंस्टॉल ऐप यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल के जो एज बेजल्स हैं इन्हें आपको करीब से दिखा देते हैं। कॉर्नर से काफी थिक है लेकिन नीचे से आपको ज्यादा बेजल्स देखने को मिलते हैं। 60Hz का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की तो 6.51 इंच की आपको इसमें HD+ IPS LCD दी गई है जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल 270 ppi की दी गई है। इसके अलावा इसकी हाइट है 163.9 mm, 75.2 mm इसकी विड्थ है और 8.2 mm की थिकनेस आपको इसमें मिलती है। 179 ग्राम का इसका वेट, 5000 mAh की बैटरी अंदर लगी हुई है। और अब इसकी सेटिंग को हम ओपन कर लेते हैं तो सेटिंग का जो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे दिया गया है जिसे हम ओपन करें तो इसमें आपको फन टच OS मिलता है 12 और यहाँ नीचे 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट MediaTek Helio P35 का आपको इसमें मिलता है। 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें लेटेस्ट 12 दिया गया है। इसके अलावा 12nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक पावर VR G8320 के आपको इसमें मिलते हैं। चलिए दोस्तों इसका कैमरा ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसका रियर कैमरा ओपन करेंगे तो यहाँ जो भी परमिशन मांगे एग्री कर लीजिए। ये क्या यहाँ पर टच बहुत स्लो वर्क कर रहा है इसका, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
तो ये हो गया है नॉर्मल मोड में ऑन, और अब कैमरा क्लैरिटी को देखें तो कलर्स काफ़ी अच्छे आपको इसमें मिल जाते हैं, क्लियर इमेज है। जूमिंग देखें तो ओनली 4x तक आप इससे जूम कर पाओगे। ये रहा इसका फुल जूम क्लैरिटी। इसके अलावा आपको इसमें पैनोरमा मोड मिल जाता है, ब्यूटी मोड दिया गया है, फोटो वीडियोस मोर सेटिंग देखें तो लाइव फोटो टाइम लैप्स प्रो मोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन स्लो मोशन आपको इसमें नहीं दिया गया है, ना ही आपको अलग से पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है। ये लेंस है, यहाँ से आप बुके इफेक्ट को ऑन कर सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लियर और बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो यहीं से वो ऑप्शन आपको मिलेगा। फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद आए वो फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। HDR को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट सेल्फी कैमरा देखें तो 8 मेगापिक्सल का है, काफ़ी कलरफुल और ब्राइट सेल्फी कैमरा आपको इसका मिल जाता है, जिससे आप 2x तक जूम भी कर सकते हैं। अभी हमने ये ब्यूटी मोड में रखा हुआ है, ये फेस को बिल्कुल क्लियर कर लेता है। नॉर्मल मोड में आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आप जाके यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर हमें नजर आएगी। ब्यूटी मोड में थोड़ा सा एडिटेड पिक्चर आपको नजर आएगी, और सेल्फी कैमरा में भी आपको बुके इफेक्ट देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये था वीवो की ओर से 10,000 रुपए की रेंज में मिलने वाला एक नया स्मार्टफोन, जो काफी स्लिम और डिजाइन मुझे इसका काफी अच्छा लगा। कैमरा भी आपको इसमें काफी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कई सारी कमियों के साथ भी ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, आपको इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलती है, और जो टाइप सी चार्जर का सपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जर भी आपको इसमें मिलता नहीं, और जो प्रोसेसर है वो काफी आउटडेटेड यहाँ पर दिया गया है। मेरे हिसाब से तो इसकी प्राइस कम से कम 9,000 रुपए रहनी चाहिए थी, 10,000 रुपए में ये आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। और तो आपकी पसंद मैटर करती है दोस्तों, 10,000 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप यूज कर रहे हैं इस स्मार्टफोन को तो क्या क्या अच्छाइयां बुराइयां हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।